हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग दो दिन बाद ट्रैक पे जा रहे हैं। न्यू ईयर पे, न्यू ईयर के जो वेकेशन है उस पर हम ट्रैक पे जाएंगे। ये वाला थोड़ा ट्रैक हमारा डिफरेंट रहेगा। ये पूरा विंटर ट्रैक होगा, पीक विंटर ट्रैक है, तो उसमें काफ़ी स्नो मिलेगा हमें ट्रैक्स पे। तो हमें पूरा स्नो के ऊपर ही मतलब कैंपिंग करना है, तो उसके हिसाब से हम अपना तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये बैग है, दो बैग है, हम वाइफ के लिए और मेरे लिए एक बैग है। दोनों हम अपना अलग अलग रख सक लेंगे। जो भी सामान हम लेके जा रहे हैं उसको हम अलग अलग से बांट लेंगे। उसके बाद हम एक टेंट लेके जा रहे हैं खुद से, और दो हमारा स्लीपिंग बैग है। 0 to 5 degrees Celsius का दो स्लीपिंग बैग्स है। वाटर बॉटल्स है, खाने का सामान है, फिर कुकिंग का सामान है। पेन हम खुद से लेके जा रहे हैं, बॉल भी हम खुद से लेके जा रहे हैं। डिस्पोजल हम यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि हमें वहाँ गंदगी नहीं करना है। ऊपर जाना है, बनाना है, खाना है, फिर जितना भी कचरा होगा उसको लेके वापस भी आना है। तो खाने के लिए हम लोग ज़्यादातर रेडीमेड जो रेडी टू ईट होता है वो सारा सामान हम यूज़ करेंगे। कोई सा भी आप, हमने MTR का लिया है, आप कोई सी दूसरा ब्रांड का भी ले सकते हो रेडी टू ईट वाला जो सामान है। इसको कुछ करना नहीं है, पानी गर्म करो और इसमें थोड़ा सा उबाल लो और खा सकते हो उसको, खिचड़ी टाइप का बना के। तो ऐसा टाइप का बहुत सारा हमने लिया है। फिर ये दाल चावल ये सब भी है, ये रेडी टू ईट वाला है। फिर कुछ कीमा बिरयानी भी है, फिर नूडल्स भी है, केक्स लिया है, और ये प्रोटीन बार्स भी लिया हुआ है। ये काफ़ी ज़रूरत होता है, क्योंकि हम रास्ते में जाते टाइम हमें हैवी फूड हम नहीं खा सकते, तो छोटा छोटा जो एनर्जी बर्स होता है उसको हम पॉकेट में रख के कभी भी निकाल के खा सकते हैं। तो ये सामान बहुत मतलब फायदेमंद होता है, तो एनर्जी बर्स लेके जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम विंटर ट्रैक्स पे जा रहे हैं, तो विंटर ट्रैक्स में हमारा जैसे ही हम वर्क करते हैं तो हमारा काफ़ी एनर्जी लॉस होता है, तो उसकी वजह से हमें बहुत भूख लगता है। तो छोटा छोटा जो सामान होता है एनर्जी बर्स है, ये सब खाते रहना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को और एनर्जी मिले और ट्रैकिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो। पहनने का है, पहनने के लिए हमने एक तो वाटरप्रूफ टाइप का डाउन जैकेट रखा है, अपना एक एक हमने ले लिया है। ये मतलब इनकेस अगर स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उस केस में ये डाउन जैकेट हमें फायदा दिलाएगा। उसके बाद जैसे ट्रैकिंग हम स्टार्ट करेंगे वहाँ का बेस कैंप से हम और भी सामान खरीद लेंगे। तो ये हमारा खाने का सामान का हो गया। सबसे पहले तो हम अपना जो खाने का सामान है उसको पैक करके थोड़ा साइड कर लेते हैं, ताकि जगह खाली हो जाए थोड़ा। हम लोग जो भी अपना खाने का सामान होता है ऐसे एक थैले में हम पैक कर लेते हैं, ताकि वो खाने का सामान सारा एक ही साथ रहे, एक ही जगह पे, उसको अलग से ढूंढना ना पड़े। जो हमारा पहनने का सामान है उसको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारा डाउन जैकेट है पैडल वाला, तो वो हमारा वाटरप्रूफ टाइप का, या सबसे ऊपर उसको हम पहनेंगे, सबसे आउटर लेयर रहेगा वो। और जो यहाँ पे है ये हमें रात के सोते टाइम पहनने के लिए थर्मल लिया हुआ है, सॉक्स लिए हैं बड़े बड़े, हैंड ग्लव्स लिया हुए हैं, और एक्स्ट्रा टी शर्ट्स लिया हुआ है। ये नेक का कॉलर है, ये भी ज़रूरत है, हैंड ग्लोव्स है, और ये ट्रैकिंग पैंट्स है। ट्रैकिंग पैंट्स हमने दो लिया हुआ है पर हेड, एक एक्स्ट्रा भी लिया हुआ है इन केस अगर कुछ फट जाए या भीग जाए कहीं पे, तो उसके वजह से हमने लिया हुआ है। और ये हाथ बांध पोंछने के लिए एक्स्ट्रा से कपड़ा भी लिया हुआ है, और एक मफलर लिया हुआ है, और ये छोटा सा ब्लैंकेट है, मतलब बहुत लाइट वेट ब्लैंकेट है। ये एक ब्लैंकेट 1/2 kg का है, तो ये हमने लाइट वेट वाला चूज़ किया है। इसको हम अपना स्लीपिंग बैग जो है स्लीपिंग बैग के अंडर रैप कर लेंगे, क्योंकि पूरा स्लीपिंग बैग तो सिंथेटिक कपड़े का होता है या सिंथेटिक मटेरियल का होता है, नायलन का होता है, तो उसके ऊपर डायरेक्टली सोने के लिए इतना कम्फर्टेबल नहीं फील करता, इसलिए स्लीपिंग बैग के अंडर इसको रैप करेंगे, तो उसके अंडर हम सोएंगे। मतलब नीचे से ऊपर से इसको रैप कर लेंगे और उसके बाद सोएंगे स्लीपिंग बैग में। तो ये हमारा कपड़े का हो गया। एक तो हमारा ये यहाँ पे हमने रखा हुआ है, एक इमरजेंसी ब्लैंकेट है,
इमरजेंसी ब्लैंकेट मतलब ये हमारा रिफ्लेक्टर है, ऐसे देख सकते हो एल्यूमिनियम फॉयल टाइप का होता है ये रिफ्लेक्टर है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, टेंट को हम बिठा लेंगे, बिठाने के बाद हीट रिफ्लेक्टर को हम बिठा लेंगे। ये एक जो साइज़ है ये 140x210 स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है, तो उस हिसाब से अब इसको हम क्या करेंगे, बैठा लेंगे एक एक रिफ्लेक्टर। उसके बाद ये फोम बैठाएंगे, फोम बैठाने के बाद हमारा स्लीपिंग बैग आएगा, स्लीपिंग बैग के अंदर ये हमारा छोटा सा जो कंबल है वो रहेगा, उसके अंदर हम सोएंगे। ये हमारा सोने का सिस्टम हो गया और कपड़े का हो गया। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मैं रिकॉर्डिंग के लिए GoPro ले रहा हूँ और देखता हूँ एक DSLR होगा तो वो भी ले लेंगे। तो इसके लिए मेमोरी कार्ड लिया हुआ है, ये मोबाइल का होल्डर लिया हुआ है, दो मैंने पावर बैंक लिया हुआ है, ये हेडलैम्प लिया हुआ है, हेडलैम्प के लिए मैंने एक्स्ट्रा बैटरी लिया हुआ है, और ये भोलिनी इनकेस अगर कहीं थोड़ा डटवट करने लग गए तो उसके लिए मैंने ले लिया है, और टिश्यू पेपर ले लिया है थोड़ा, और ये मेडिकल बैंडेज लिया हुआ है इनकेस ऑफ इमरजेंसी, कहीं पर कट जाए, कुछ हो जाए, चोट लग जाए तो उसमें लगाने के लिए इमरजेंसी मेडिकल टेप लिया हुआ है, पेपर सॉक लिया हुआ है, और मैंने मेडिसिन भी लिया हुआ है। मेडिसिन जो एसेंशियल्स है मेरे वही लिया मैंने, फीवर वीवर के लिए मेडिसिन लिया हुआ है। और इस प्लास्टिक में है मेरा फायर स्टार्टर, यहाँ पे मैच बॉक्स, लाइटर, मोमबत्ती, ये फायर का सामान लगा हुआ है इसमें, ऊपर हम खुद से कुक करके बना के खाएंगे तो इसके वजह से हमने रखा हुआ है। और सबसे एसेंशियल्स सनग्लास, क्योंकि जब आप स्नो में ट्रैकिंग करते हो तो आपको स्नो ब्लाइंड होने का चांसेस रहता है, क्योंकि हर जगह वाइट वाइट कलर का रहता है, तो आप थोड़े देर ऐसे चलते रहोगे 1 आवर्स के बाद आपको स्नो ब्लाइंडनेस हो जाएंगे, तो उसके वजह से सनग्लास लेना बहुत ज़रूरी है। अभी जो मेरा जो रेगुलर यूज़ करने वाला सामान है जो मैं ट्रैक के टाइम में यूज़ करूँगा, एक तो जैसे हो गया कि मोबाइल मुझे हैंडी चाहिए, बार बार यूज़ करते रहेंगे, मोबाइल को इस बैग में रखेंगे, मैं ये एक्स्ट्रा एक बैग लेके जाऊँगा, उसको फ्रंट साइड पे रखूँगा, एयरफोन्स इसमें डाल दूँगा, जो पावर केबल से जो चार्जर है इसको डाल दूँगा यहाँ पे, उसके बाद एक छोटा सा पावर बैंक उसको भी यहाँ पे डाल दूँगा, उसके बाद सनग्लास जो है वो भी मैं इसमें डाल दूँगा, दोनों का सनग्लास मैंने इसमें डाल दिया। तो ये हमारा जो हैंडी वाला पार्ट है ये तो हो गया पैक, इसको रख देते साइड में। अभी आपको दिखाते हैं, और मैंने और एक एसेंशियल सामान नहीं दिखाया, ये ट्रैकिंग पोल, ये वैसे समर के लिए है, हमने विंटर ट्रैकिंग के लिए लिया नहीं था, ये विंटर हाइकिंग के लिए जो वॉकिंग पोल होता है उसमें ये कप जो होता है ये काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ये कप बड़ा होने से स्नो में वो ज़्यादा होल बनता है तो मतलब अच्छा होता है। वैसे ये विंटर के लिए है नहीं, फिर भी इसी को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यही है हमारे पास, तो इसी को लेके जाएंगे। तो अभी जो हमारा पैकिंग का सिस्टम है, तो पैकिंग करते करके आपको दिखाएंगे कि पैकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हैवी मटेरियल से वो तो मैं ही ले लूँगा, अपने बैग में डाल देंगे। ये मेरा वाला है वाइल्ड क्राफ्ट का, काफ़ी पुराना रक्षक है ये, 65 लीटर्स का है। सबसे पहले जैसे हमारा जो सामान है जो हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल कैंप साइड में जाके यूज़ करने वाले हैं, वो सारा सामान हमें पहले बैग के अंदर सबसे नीचे रखना है। जैसे हमारा हो गया ये टेंट, इसको हमें रास्ते में कहीं भी यूज़ नहीं करना है, तो ये हमारा इसमें ही आ गया। ये लंबा भी है तो इसको मैंने अपने जो ट्रैकिंग वाला बैग है उसमें डाल दिया ऐसे। उसके बाद एक जो हमारा स्लीपिंग बैग है, स्लीपिंग बैग भी रास्ते में कहीं यूज़ नहीं होगा, ये सीधा जाके कैंप साइट में खुलेगा, तो इसको भी हम डाल देंगे। ये थोड़ा बहुत हो गया इसमें। अभी जो है एक ब्लैंकेट जो होगा उसको मैं डाल दूंगा इसके अंदर के साइड। ब्लैंकेट भी अभी यूज़ नहीं होगा, ये फाइनली यूज़ होगा कैंप साइट में पहुंचने के बाद। जो बीच वाला खाली पोर्शन है इसमें मैं इसको डाल देता हूँ।
पैकिंग अच्छे से फिल हो गई। उसके बाद आएगा जो फूड है उसको मैं डाल दूँगा इसमें पूरा के अंदर। ये हो गया और जैसे ये थर्मल है इसको मैं साइड पे डाल देता हूँ ताकि निकाल अगले आसान हो और याद भी रहे बाद में। ऐसे जगह पे डाल दिया इसको और मैंने लिया था यहाँ पे रस्सी, इमरजेंसी केस पे एक्स्ट्रा रस्सी लिया था। रस्सी को वो डाल देते हैं दूसरा साइड में पॉकेट में डाल देते हैं। बैग में एक मेरे बैग के नीचे एक एक्स्ट्रा से जगह है जहाँ पे मैं अपना मेडिकल किट्स रखेंगे, जैसे मेरा मेडिसिन हो गया, ये वॉलिनी का स्प्रे हो गया और मेडिकल टेप और ये पेपर सो, इसको सारा यहाँ डाल दिया। फायर स्टार्टर, फायर स्टार्टर भी जैसे ड्राई जगह पे होना चाहिए तो उसको भी मेडिकल किट के साथ डाल देंगे। अगर अभी के लिए मेडिकल किट के साथ डाल देते हैं क्योंकि फायर ही भीग गया तो फिर आगे आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जो मेरा है हेडलैम्प, जो टॉर्च है टॉर्च को बाहर ही रखेंगे और बैटरी को भी बाहर ही रखेंगे इजीली एक्सेसिबल होना साइड। एक जो मेरा शर्ट है उसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और थोड़ा सा कपड़ा इसमें डाल ही देते हैं, इसको भी डाल देते हैं। बैग को पैक करने का तरीका यही होता है, बहुत लोग बोलते रहते हैं कि बैग कैसे पैक करते हैं, बैग कैसे पैक करते हैं, तो बैग को पैक करने का तरीका यही होता है। जो हैवी सामान है और जो आपको दिन में यूज़ नहीं करना है या हाइकिंग के टाइम में यूज़ नहीं करना है, जहाँ आप कैंप साइट में यूज़ करोगे उसको सबसे अंदर डाल दो, बाकी जो आपको दिन में चाहिए होगा डे टाइम में जो हाइकिंग करते टाइम आपको जो सामान निकालना है वो सब आप बैग के थोड़ा ऊपरी साइड में रखिए ताकि आप जब उसको चाहें निकाल सकते हैं, वो आपके प्रिफरेंस के ऊपर है। फिर भी दो सिस्टम तय ही है, स्लीपिंग बैग और जो आपका टेंट है उसको आपको डे टाइम में कहीं पर यूज़ नहीं करना है, तो इसके लिए उसको सबसे अंदर ही रखिए। अभी जितने भी स्ट्रेप्स हैं इसको आप लगाइए, लगा के टाइट कर लीजिए क्योंकि ये लूज रहेगा तो आपको पैकिंग में आपकी आधा एनर्जी यही खा जाएंगे। जितना ज़्यादा ये लूज रहेगा उतना ज़्यादा ये हिलेगा और हिलने के वजह से आपका आधा एनर्जी उसी में चला जाएगा। ये हो गया मेरा एक बैग तो पैकिंग। दूसरे बैग में पैक करते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक स्लीपिंग बैग डालना है, उसके बाद ये ब्लैंकेट डालना है, ब्लैंकेट डालने के बाद जो कपड़ा है ये तो मैं पहन के जा रहा हूँ तो इसको बाहर ही रखेंगे, ये भी सॉक्स भी बाहर ही रखेंगे, ये सब तो पहन के जाने वाले उसको बाहर रखेंगे, ये मैडम का सॉक्स है ये भी बाहर ही रखेंगे, तो इसको अंदर डाल देते हैं। ये ज़रूरत नहीं है, ये कॉलर्स ये भी पहन के जाएंगे, टी शर्ट ये सब एक्स्ट्रा टी शर्ट है इसको हम अंदर डाल देते हैं।
जो दोनों थर्मल लेयर से रात को पहन सोते टाइम पहनेंगे इसको भी अलग डाल लेते हैं, ये तो निकलेगा वहीं पे जाके। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हो गया। ये जो फूड है इसको रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हम ग्रुप्स में बांट देंगे इसको सबको। ये बैग भी पैक हो गया और एक एसेंशियल सामान है कि बैग का रेन कवर जरूर ले लेना, क्योंकि आप विंटर हाइकिंग पे जा रहे हैं या विंटर ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो स्नो फॉल या बारिश तो मिलेगा, तो उसके वजह से रेन कवर होना जरूरी है बैग में। इसके अलावा अभी ये अच्छे से बूट्स या ट्रैकिंग शू, ये मेरे वाइफ का है और ये मेरा है, तो हम अपना अपना बूट्स ले लिए हैं। ये मेरा काफ़ी पुराना है, इससे मैंने कम से कम 4-5 ट्रैक्स तो कर लिया है, तो वही मेरा इस बार का भी कंपेनियन रहेगा, उसी को मैं लेके जा रहा हूँ। जब भी हम ट्रैकिंग पे जाते हैं तो हम अपना एक चेकलिस्ट ज़रूर बनाते हैं, तो मैंने भी इस बार चेकलिस्ट बनाया। ये मेरा कुछ 30 पॉइंट्स का चेकलिस्ट है, तो इसके हिसाब से सबसे पहले हमने लिखा हुआ है टेंट, टेंट मैंने ले लिया, स्लीपिंग बैग हमने ले लिया, ब्लैंकेट 2 नंबर वो भी हमने ले लिया, इमरजेंसी ब्लैंकेट हमने ले लिया, फोम मैट्रेस हमने रख लिया है, फूड का सामान हमने पैक कर लिया, और भी कुछ चाहिए होगा तो हम बेस कैंप से खरीद लेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कितना दिन के लिए जा रहे हो, जितना दिन के लिए भी आप प्लान कर रहे हो थोड़ा 1 डे का या हाफ डे का फूड आप एक्स्ट्रा लेके जाइए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकता है। अब अगर खाते रहोगे एक जगह पे रुक के खाते भी रहोगे ताकि कोई रेस्क्यू वाले आ जाए तब तक आप खा के आराम से रह सकते हो। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपको बॉडी को एनर्जी मिलेगा, आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगा तो आप सर्वाइव कर सकते हो, तो आपकी सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी डबल हो जाती है अगर आप खाना खाते रहोगे। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कुकिंग पैन जो हमने रख लिया है, और मेडिसिन जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन होते हैं जैसे डायरिया फीवर या पेन किलर्स, ये ओनली इमरजेंसी के लिए है। उसके बाद मैंने वोलिनी लिखा है, वोलिनी ले लिया, वाटर बॉटल्स मैंने ले लिया, हाइकिंग पूल मैंने ले लिया, हेडलैम्प भी ले लिया, सनग्लासेस मैंने रख लिए, एक्स्ट्रा पैंट थर्मल टी शर्ट जैकेट ये भी मैंने रख लिया, तो जैकेट तो मैंने ले लिया, एक मैं ये हुडी भी ले रहा हूँ, तो मैं ये 3 ही लेके जाऊंगा, एक स्वेटशर्ट रहेगा, एक हुडी रहेगा और एक डाउन जैकेट रहेगा। डाउन जैकेट जो है वो मेरा वाटरप्रूफ के तरह से भी काम करेगा इन केस ऑफ स्नोफॉल, वही मुझे बचाएगा। और उसके बाद मैं अपना टी शर्ट जो है वो मैं 2 पेयर लेके जा रहा हूँ, एक तो मैं अंडर पहन के जाऊँगा और एक इन केस ऑफ इमरजेंसी रहेगा। जनरली कोई भी ज़्यादा टी शर्ट चेंज करते नहीं है, क्योंकि पहाड़ में जाके कपड़ा चेंज करना बहुत टफ होता है, अगर कभी वो स्वेटिंग के वजह से भीग जाए तभी वो चेंज होता है, इन केस नहीं तो कोई चेंज नहीं करता, तो उसके वजह से मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया है, तो वो एक्स्ट्रा मैं रख लिया। उसके बाद पैंट्स जो थर्मल होता है, थर्मल सिर्फ आप छोटे टाइम ही पहनिए, उसको वॉक करते टाइम आप नहीं पहन सकते, क्योंकि वॉक करते टाइम अगर आप थर्मल पहनोगे तो काफ़ी स्वेटिंग होगा। ट्रैकिंग के टाइम में स्वेटिंग बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि बाद में वही जाके आपको बहुत ज़्यादा ठंड मतलब दिलाता है बॉडी में, तो आपको हाइपोथर्मिया होने का चांसेस भी रहता है, तो स्वेटिंग में धोइए, आप धीरे धीरे चलिए और थर्मल मत पहनिए, एटलीस्ट ट्रैकिंग के टाइम में थर्मल मत पहनिए। जब आप सोने जा रहे हो फाइनली कैंप के अंदर तब आप अपना थर्मल पहन के सोइए। और मैंने पैंट्स जो मेरा हाइकिंग पैंट है वो मैंने 2 लिया हुआ, एक तो मैं पहन के जाऊंगा, एक इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए लेके जा रहा हूँ एक्स्ट्रा, और रोप नेक्स्ट पानी रोप रस्सी मैंने ले लिया, इन केस अगर कहीं पे मेरा धूप निकल के आ गया, स्लीपिंग बैग सुखाना है या कुछ सुखाना है तो मैं रस्सी बांध के और उसको टांग के मैं सुखा सकता हूँ धूप में, और इन केस अगर मेरे जो टेंट है टेंट को अगर कहीं बांधने का ज़रूरत पड़ गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है या हवा चल रहा हूँ, तो मैं रस्सी एक्स्ट्रा रस्सी की ज़रूरत पड़ेंगे तो उसको लगा लूँगा।
उसके बाद पेपर सोप चाहिए, पेपर सोप मैंने रख लिया, लाइटर मैच बॉक्स वो भी रख लिया मैंने, नेक कॉलर में पहन रहा हूँ, वुलन कैप भी पहन रहा हूँ, वुलन सॉक्स मेरे पास एक पेयर है, मैं दूसरा पेयर बेस्ट कैम से खरीद लूँगा। उसके बाद गोप्रो का मेमोरी कार्ड वो मैंने रख लिया है, मोबाइल का चार्जर रख लिया है, गोप्रो का चार्जर भी रख लिया है, पावर बैंक मैंने दो रख लिया है, वॉच एसेंशियल्स नहीं है ये, मतलब ऑप्शनल है, आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं कि मोबाइल में टाइम तो दिखता ही है। उसके बाद एयरफोन वो मैंने रख लिया क्योंकि गाना सुनने का अगर मन किया तो मैं एयरफोन्स अपना लगा के किसी को बिना डिस्टर्ब किए मैं अपना गाना सुन सकता हूँ। उसके बाद वॉलेट, वॉलेट इसलिए चाहिए, एक तो से आपकी आईडी, दूसरे से आपको कैश लेके जाना पड़ेगा क्योंकि आप जो भी हमारे इंडिया में हाइकिंग्स होती है मैक्सिमम हाइकिंग्स हमारे बिल्कुल विलेज वाला एरिया से स्टार्ट होते हैं या पहाड़ी के विलेज वाला रिमोट वाला एरिया से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे जो भी बेस कैंप्स होते हैं वहाँ पे जनरली इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होते हैं या कभी कभी ऑनलाइन बैंकिंग या कार्ड पेमेंट का ऑप्शन नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से आपको कैश पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो कैश लेके जाना बहुत ही ज़रूरत है। तो उसकी वजह से मैंने वॉलेट वाला पॉइंट बेस में डाल दिया था। दूसरा, स्नो कैंपिंग में जा रहे हैं हम लोग तो उसके वजह से हमें गेटर्स एंड स्पाइक्स की ज़रूरत पड़ेंगे, तो गेटर्स और स्पाइक्स जो है वो हम रेंट पे ले रहे हैं। गेटर्स हम पिछले साल खरीदे थे, हमने खरीद के उसको यूज़ भी किया था, ब्रह्मताल ट्रैक में हम गए थे उत्तराखंड में पिछले साल, वहाँ पे हमने यूज़ किया था उसको, लेकिन अभी वो गेटर्स हमने कहाँ पैक करके रख दिए हमें रूम में मिल नहीं रहे, तो उसके वजह से हमें गेटर्स दोबारा रेंट पे लेना पड़ेगा इस बार के लिए, हम वो जाके बेस कैंप से रेंट पे ले लेंगे। और जो स्पाइक्स है स्नो बूट्स के अंडर लगाने के लिए स्पाइक्स जो होते हैं वो भी हमें रेंट पे लेना पड़ेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा टूथब्रश, तो ये मेरा 30 पॉइंट्स का चेकलिस्ट है, तो ये मैं हर ट्रैक के पहले मैं बनाता हूँ, उस ट्रैक के नेचर के ऊपर या उस ट्रैक के हिसाब से मैं बनाता हूँ क्या क्या लेके जाना चाहिए क्या क्या लेके नहीं जाना चाहिए, मैं अपने हिसाब से स्टडी करके बनाता हूँ। ये मेरे पॉइंट्स थे, मैंने ऑलमोस्ट सारा सी सिस्टम में मैंने कवर कर लिया और ये मैंने पैक भी कर लिया, अभी ट्रैक के लिए बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये हमारा ट्रैकिंग का पहले का वीडियो है, हम ट्रैकिंग जा रहे हैं न्यूयॉर्क के टाइम पे, हम 27 को यहाँ से निकलेंगे दिल्ली से और हम 28 को पहुँचेंगे, 28 में हम बेस कैंप पे रुकेंगे, मतलब जो विलेज है बेस जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे हम रुकेंगे, उसके बाद 29, 30, 31 को हम ऊपर ही बिताएंगे और उसके बाद 1 तारीख को हम रिटर्न आएंगे, रिटर्न आने के बाद 2 तारीख को हम वापस दिल्ली पहुँचेंगे। तो ये हमारा बेसिक इटिनरी है, बेसिक हमारा प्लानिंग है, उसके बाद हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा या जो ब्लॉग्स होंगे जैसे जाने का डे टू डे ब्लॉग्स हम वहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे उसको आपके साथ शेयर भी करेंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, जो भी हमारा ब्लॉग्स आने वाले ब्लॉग्स होंगे वो भी अच्छा लगेगा, तो आप फॉलो करते रहिए, हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए और आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग्स पे। ओके गाइस, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।